हेलो गाइस गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप ट्रेडमार्क सर्च किस तरीके से करेंगे, ट्रेडमार्क सर्च करने की जरूरत क्या है, इसे क्यों करा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इस वीडियो में कि ट्रेडमार्क सर्च क्या होता है और इसको किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो ट्रेडमार्क है वो आपको पता ही है कि ट्रेडमार्क एक लोगो होता है, एक ब्रांड होता है जो हम रजिस्टर कराते हैं और जिसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तो अगर हमें अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट रखना है फ्रॉम अदर्स, अगर हमें दूसरों से अपना प्रोडक्ट डिफरेंट करना है तो इसके लिए हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना होता है। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो ट्रेडमार्क हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं वो पहले से अवेलेबल है या नहीं। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेडमार्क सर्च किस तरीके से किया जाता है। तो जुड़े रहिएगा हमारी इस वीडियो के साथ। तो एंड फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि ट्रेडमार्क सर्च किस तरीके से करी जाती है। तो ये मैंने वेब ब्राउजर ओपन कर लिया है, इसके अंदर हम लिखेंगे ट्रेडमार्क सर्च। उसके बाद ये जो पहला लिंक आ रहा है हम इसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और यहाँ पर जो भी हम रजिस्टर जो हमारा ट्रेडमार्क है हम वो उसके तीन डिजिट लिखेंगे। यहाँ पर हमने तीन डिजिट डाल दिए हैं। उसके बाद क्लास, जिस क्लास के अंदर हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं वो क्लास यहाँ डालेंगे और उसके बाद कर देंगे हम फ्रेंड्स सर्च। तो ये सर्च होने के बाद हमारे पास जो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री है वो ऑलरेडी आ चुकी है। अब उसके बाद हम इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे और ये रिपोर्ट हमारी हमें पीडीएफ में सेव कर लेनी है। तो गाइज जब ये हमारी रिपोर्ट पीडीएफ में सेव हो जाएगी तो ये इस तरीके से रिपोर्ट हमारी ओपन होगी, कंप्यूटर जनरेटेड ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट। जो हमने वर्ड मार्क जो हमने सर्च करा है वो करा है DGR, और DGR के नाम से पहले से ही जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कन्फ्लिक्टिंग मार्क, प्रोपराइटर नेम, प्रोपराइटर एड्रेस और स्टेटस। तो सबसे पहले ये DGR लोगो, ये DGR फॉर्म्स एंड लेजर्स लिमिटेड के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये इसकी जो एक्सपायरी डेट्स भी फ्रेंड्स यहाँ पर लिखी होती है, यूजर डेट 27/10/2019। उसके बाद डी ग्रुप द नेक्स्ट जेन बिजनेस हब, ये इस तरीके से रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क। और उसके बाद DG रॉयल्स, ये हमारा रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क। तो ये फ्रेंड्स कुछ ट्रेडमार्क है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसके नाम पर। तो अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो आपको ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट कंडक्ट करनी होगी। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट कंडक्ट करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।